वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता मिल गया है। खुद अखिलेश यादव ने इसकी पुष्टि की। वहीं निमंत्रण पत्र मिलने पर अखिलेश यादव ने चंपत राय को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद दर्शनार्थी बनकर अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। यानी 22 तारीख को निमंत्रण मिला है अखिलेश यादव को, लेकिन वो पहुंचेंगे नहीं। उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने लिखा है कि दर्शन के लिए पूरे परिवार के साथ मैं अयोध्या आऊंगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद आऊंगा। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे पर 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस अलायंस कमेटी और समाजवादी पार्टी के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। दरअसल ये बैठक पहले 12 जनवरी को होनी थी, लेकिन यूपी कांग्रेस की तरफ से तैयारी न होने का हवाला देकर इस बैठक को रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर होने वाली इस बैठक में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल शामिल होगा, तो वहीं यूपी कांग्रेस के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर चला आ रहा है, उस पर एक अहम चर्चा इसमें हो सकती है। पहले एक ये बैठक होनी थी, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया और नई तारीख जो कि 16 और 17 जनवरी दिल्ली में इस बैठक की अब तय हो गई है। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग के लिए 9 जनवरी को भी एक बैठक हुई थी। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि इस बैठक में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा था जिस पर वो जीत सकते हैं। और ऐसे में सूत्रों का दावा यह है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 10 से 15 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती। लेकिन सूत्रों का दावा यह भी है कि यूपी में कांग्रेस 20 से 25 सीट की डिमांड कर रही है और इनके अलावा 5 सीट जयंत चौधरी की आरएलडी को मिल सकती है और बची हुई सीटों का बंटवारा गठबंधन के छोटे दलों के लिए होगा, जिसमें केशव देव मौर्य के महान दल चंद्रशेखर की भीम आर्मी और टीएमसी भी शामिल है। और इधर दिल्ली में इंडी गठबंधन में संयोजक के पद पर अटकलों का दौर जारी है। शनिवार को इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक में भी संयोजक पद के लिए किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। इस बीच शाम तक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने खड़गे के नाम पर सहमति बनाने का दावा कर दिया। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके गठबंधन की बैठक को सकारात्मक बताया। हालांकि सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात नहीं हुई, जिसकी वजह से टीएमसी नाराज हो गई है।